गुड मॉर्निंग एवरीवन. टुडे वी विल स्टार्ट मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. सी, इन दिस यूनिट वी हैव अ ह्यूज अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल. सो इट इज इट विल बी आस्क्ड इन एमसीक्यू पैटर्न. सो अकॉर्डिंग टू एमसीक्यू पैटर्न वी विल स्टडी. सो विजन मिशन ऑफ द प्रोग्राम इज टू इम्पार्ट एक्सीलेंट सिविल इंजीनियरिंग स्किल to develop employable civil diploma engineers. Mission of the program is effective implementation of teaching learning process to benefit student, imparting the modern technical skill as per the requirement of the industry to improve employability and to develop social and environmental responsible civil engineers. So learning outcome you will be achieving that you will be able to explain moment distribution method and you will be able to analyze for same moment of inertia and different moment of inertia. So course outcome achieved is analyze continuous beam using moment distribution method under different loading condition, and PO map is PO 1 to 6 7 PSO 2. So moment distribution basically kya hai? ये एक बेसिक वीडियो है. तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एनालिसिस मेथड फॉर स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम. स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट बीम के लिए है एंड फ्रेम्स डेवलप बाय हार्डी क्रॉस. हार्डी क्रॉस करके एक थे स्ट्रक्चरल, उन्होंने बनाए थे ये, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1930 इन एन ASCE जर्नल. ठीक है. देन द मेथड ओनली अकाउंट्स फॉर फ्लेक्चरल इफेक्ट्स एंड इग्नोर एक्सियल एंड शेयर इफेक्ट्स. फ्रॉम द 1930s अंटिल कंप्यूटर बिगेन टू बी वाइडली यूज इन द डिजाइन एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर द मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड वॉज द मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस मेथड. सो साइन कन्वेंशन है ये अपने. अगर सपोर्ट मोमेंट, सपोर्ट पे क्लॉकवाइज मोमेंट है तो पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे. रोटेशन स्लोप पे अगर क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव लेंगे. ओके, ये न्यूमेरिकल के वक्त तुमको समझेगा. देन पहली एक टर्म आती है इसमें कैरी ओवर मोमेंट. कैरी ओवर मोमेंट क्या? इट इज द डिफाइंड ऑफ मोमेंट इंड्यूस एट द फार फिक्स एंड ऑफ द बीम बाय द एक्शन ऑफ द मोमेंट अप्लाइड एट द नियर सिंपली सपोर्टेड और हिंज बीम. अब ये न्यूमेरिकल में आपको अच्छे से समझेगा कि कैरी ओवर फैक्टर क्या है. देन कैरी ओवर फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ मोमेंट इंड्यूस, जो भी मोमेंट आपका क्रिएट होगा उसका, टू द मोमेंट अप्लाइड, जो तुमने मोमेंट अप्लाइड करे, जो हुआ डिवाइडेड बाय अप्लाइड करे. ठीक है, विदाउट डिस्प्लेसिंग इट. देन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ अ मेंबर टू द टोटल स्टिफनेस ऑफ द मेंबर मीटिंग एट अ पॉइंट. देखो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम के से डिनोट करते हैं, तो इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस फैक्टर, मतलब समीशन के डिवाइड बाय समीशन ऑफ के. न्यूमेरिकल में अच्छे से समझेंगे. देन तो आप अभी पहले वीडियो में आपको लिखना है डिफाइन कैरी ओवर मोमेंट एंड कैरी ओवर फैक्टर, डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और नेक्स्ट वीडियो न्यूमेरिकल का रहेगा. अभी बस तीन चार टर्म जो थे वो यूज़ करने थे, वो बता दिया. इस पर LVD सॉल्व करो और कल न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा.